है कि कई योजनाएं हमने देखी कि जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं उन्होंने 11 वचन जनता के सामने रखे हैं, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सरकार, उन्होंने तो कई योजनाएं, वही लगभग सेम योजनाएं अमल में भी ला दी हैं। आपको नहीं लगता कि उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? चाहे आप देखिए लाडली बहना योजना देख लीजिए, मुफ्त बिजली का देख लीजिए, गैस सिलेंडर का देख लीजिए, ये तीनों ही योजनाएं लगभग अमल में आ चुकी हैं। लेकिन आप देखें, हमारा जो पिटारा था कमलनाथ जी का, उन्हें खोलना शुरू किया, इन्होंने उसको फॉलो करना चालू कर दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कम से कम दे रहे हैं। हम लोग जो 11 सूत्री जो है, 11 जो वादे हैं वो पूरे करेंगे। जो इन्होंने कम दिया उसको ज्यादा हम लोग देंगे। और आपने देखा है, झूठ बोल रहे, घोषणा मंत्री है, घोषणा मुख्यमंत्री है, वो घोषणा करते हैं कुछ करते नहीं है। आज प्रदेश को कितने कर्ज में डुबो दिया उन्होंने, 3,30,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार पे है। अब पैसा कहाँ से लाएंगे, ये पैसा कैसे चुकाएंगे, ये किस पे ज्यादा बोझ, आम जनता पे, मध्य प्रदेश की जनता पे? तो इस बात पे आप मत जाइए, उनको तो पता ही नहीं प्रबंधन क्या है। वो तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, आपस में बांटना, नफरत फैलाना, इसी पे काम कर रहे हैं। और यही उनकी योजना है और कोई योजना नहीं है। आप देखना, इसका जो दूध का दूध पानी का पानी चुनाव में समझ में आ जाएगा। जी, लेकिन जैसे लाडली बहना योजना है वो अमल में आ चुकी है, जो कई लोग हैं उनके, कई महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 1,000 रुपए पहुंच चुके हैं। जो नारी सम्मान योजना की बात की जाए उसमें भी 1,500 रुपए हैं, जिनको बढ़ाकर फिर और भी रुपए कर दिया जाएगा, उनको बढ़ा दिया जाएगा। अंतर क्या हुआ, क्या अंतर हुआ? अरे ऐसा अंतर हुआ है, जैसे इन्होंने बोला हमारे कमलनाथ जी ने 1,500 किया, इन्होंने ज्यादा और बढ़ा दिया, ये बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन बढ़ाने से पहले कमल तो लाओ, एक बार दे दूसरी बार कैसे दोगे आप? ऐसा तो देखो, कर्जा तो देखो आप कितना है। आपको इससे जो जितने भी कार्य कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं, इससे आम जनता कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो सब योजना ले रहे हैं और इसको मालूम है कि इनका घमंड तोड़ना है, इनका जो अहंकार है इनका तोड़ना है। ये आम जनता ने ठान लिया है और बीजेपी को हराना है, कांग्रेस जिताना है, ये आम जनता की सोच हो गई है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ सरकार चुनाव लड़ रही है भाजपा की तरफ से, और पुलिस वाले लड़ रहे हैं और आम आदमी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के आदमी सिर्फ जनता लड़ रही है, कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है, उनके पैसा की दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, बुंदेलखंड की अगर बात की जाए, बुंदेलखंड में हमने देखा है कि काफी मजबूती आपकी रही है, काफी जो ऊपर से ये जो ग्रैंड काफिला आपका रहा है उसके बाद तो हर जगह इस बात की चर्चा है, मतलब 1100 गाड़ियां, 5,000 समर्थक, जिसके बाद से ये चर्चा लगातार बनी हुई है। तो बुंदेलखंड में जो हम मुश्किलें देखते हैं सबसे ज्यादा, एक तो जो मैंने देखी है, सूखे की हमेशा से समस्या रही है, बिजली की समस्या रही है, इनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इसके बाद से? भाई हमारा देश, जो आपने सूखे की समस्या, बिजली की समस्या उठाई है, ये सवाल तो हम लोग को इनसे पूछना चाहिए जितने सालों सरकार में है। हम लोग हमेशा इस बात को उठाते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी बात के लिए तो हम लोग आ रहे हैं। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, चाहे आप गरीबी देख लें, आप गरीबी देख लें, आप जो बिजली का आपने बात उठाई है, सूखे की बात, मुआवजा देते नहीं है, बिजली की समस्या, अब गांव गांव में सड़कें भी नहीं है कई जगह। आप बुंदेलखंड में आप आके देख लें, कई गांव ऐसे क्षेत्र हैं ना, सड़कें भी तक नहीं है, पानी की दिक्कत है, बिजली की बात, पानी की दिक्कत भी है कई जगह, तो सूखा पड़ रहा है वहां, फसलों में दिक्कत आ रही है। तो जो आप सूखा पड़ रहा है वहां तो मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, किसान बेचारे परेशान है, तो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए हम लोग आगे बढ़ के आगे आगे आए हैं कि किसानों की समस्या, रोजगार की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, महिलाओं की समस्या, हर आदमी की समस्या, जो समस्या जूझ रहा है, तो उनको लड़ाई के लिए हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस हम लोग की मजबूत है और कांग्रेस पूरा काम समस्या जो निपटाएगी, यही हम लोग का सूत्री कार्यक्रम है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमें बुंदेलखंड से अभी दौरा करके आए हैं, सागर जिले में होके आए हैं, तो वहां सब जगह ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि सब लोग को इतनी त्राही त्राही है, लोगों में इतना गुस्सा है लोगों के प्रति, क्योंकि घमंड से चूर हो चुके हैं लोग। भाजपा के नेता, खासकर विधायक, मंत्री और जिला अध्यक्ष या जो भी जितने भी नेता हैं, घमंड से चूर हो गए, उनका घमंड चूर चूर होगा, ये हम आपसे बात कर रहे हैं। और गुंडागर्दी करने लगे ये लोग, तो घर पटक रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। भाई जो गरीब आदमी है वो कैसे एक ईंट बनाता है, कैसे बालू इकट्ठा करता है, कैसे 1 रुपया इकट्ठा करता है, जिससे वो बालू खरीदे, गिट्टी खरीदे, लेबर ले, तब किसी बड़ी मुश्किल से घर बना पाता है। अब 1 घंटे बुलडोजर ले आते, पटक देते हैं, उसकी भावना पे कितनी ठोस पहुंचती है, उसके परिवार पे कितनी ठेस पहुंचती है, उनके माँ बाप पे कितनी ठेस पहुंचती है, माँ बहन पे कितनी ठेस पहुंचती है, कितनी मुश्किल से मकान तोड़ते बनाते हैं ये लोग, 1 मिनट तोड़ देते हैं। ये क्या व्यवस्था है इनकी? अंग्रेजों में शासन में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर अपराधी है कोई, उसको जेल में पहुंचाओ, कोर्ट न्याय देगा आपको, कोर्ट जो अन्याय न्याय फैसला कोर्ट करेगा। अंग्रेज भी ऐसी व्यवस्था थी, अंग्रेज ने कभी मकान नहीं तोड़े, अंग्रेज ने कभी मकान नहीं तोड़े, क्योंकि जो अपराधी है उसको बंद किया जेल में और उसको सजा दी, उसके पीछे उसके परिवार को क्यों दे रहा जो निर्दोष है? तो ये तो एक जनता करेगी ना, आप देखिए आप कितने लोग मालूम, इनको मालूम चलेगा कि कैसे जनता, इन लोग के आचार संहिता लग रहे, तो इनको मालूम चल जाएगा किस लेवल पे खड़े हैं ये लोग।